STEM Solutions. Discover yourself. हेलो ह्यूमन एलियंस, वेलकम बैक टू स्टेम सॉल्यूशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्हाइल लूप स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी का व्हाइल स्टेटमेंट या फिर व्हाइल लूप ऑफ कंट्रोल ये स्ट्रक्चर्स का। व्हाइल लूप क्या होता है? द व्हाइल लूप इज ऑफन यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इज नॉट नोन इन एडवांस। ये जब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कोई लूप कितने बार वो रिपीटेशन करेगा इन एडवांस, ठीक है। इसका जनरल स्टेटमेंट होता है व्हाइल, देन कंडीशन, देन ब्रेसेस, देन स्टेटमेंट्स एंड देन अगेन ब्रेसेस। द सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन अ व्हाइल लूप इज एज फॉलोज। ये कुछ एक सिक्वेंस है व्हाइल लूप का। पहले क्या होता है? इवेल्यूएशन ऑफ कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन इवेल्यूएट होता है या फिर कंडीशन चेक होता है। सेकेंड क्या स्टेप? इफ द कंडीशन इज ट्रू दैन द एग्जीक्यूटेड दैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एंड रिपीट स्टेप वन। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट क्या होते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जो स्टेप वन है वो वापस से रिपीट होता है। और थर्ड स्टेप क्या होता है इसके अंदर? इफ द कंडीशन इज फॉल्स दैन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द लूप। अगर फॉल्स होता है तो वहाँ से कंडीशन फॉल्स अगर हुआ तो जो भी कंट्रोल होता है वो आउट ऑफ द लूप ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है वहाँ से। यहाँ पे क्या होता है? मेनली कंडीशन इवेल्यूएट होता है। पहले अगर ट्रू है तो स्टेप वन पे फॉरवर्ड हो जाता है, अगर फॉल्स है तो वो एग्जिट हो जाता है लूप से बाहर। फ्लो चार्ट ये है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चेक आउट होगा, अगर फॉल्स है तो आउटसाइड द लूप चला जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग द व्हाइल लूप। सो देखते हैं कैसे करेंगे इसको रियल लाइफ में कोडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट नंबर वन लिखेंगे यहाँ पे और एस इक्वल टू जीरो सेमीकोलन और स्ट्रेच और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेम रहेगी। यहाँ से हम व्हाइल स्टेटमेंट या व्हाइल लूप स्टार्ट कर देंगे। नंबर क्या होगा? लेस देन या इक्वल टू 10 रहेगा। एंड देन यहाँ पे सम में ऐड कर देंगे इक्वल टू नंबर एंड उसके बाद नंबर प्लस वन, नंबर प्लस इक्वल टू वन। एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवाएंगे आउटपुट इसका जो रिजल्ट मिलेगा। जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे 1 to 10 सबको प्रिंट आउट कर देगा उनका सम। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स इज कॉलन एंड देन पर्सन डी और सम एस फॉर सम और हम रन कर देंगे। बिल्ड होगा और रन होगा ये प्रोग्राम, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोग्राम में, 26 सेकेंड लग जाएंगे। फाइनली हमारे पास 0 रिजल्ट आ गया और ये 55 हमारे पास सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर 360 डिग्री एक्सपीरियंस। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।